मैं रेंडमली दो कार्ड्स निकालती हूँ। कम्युनिकेट क्लियरली, एंजल्स का कहना है कि आप उनसे क्लियरली कम्युनिकेट करो। हो सकता है आप लोगों में कम्युनिकेशन की कमी है, सही से कम्युनिकेशन नहीं हो पाने की वजह से आपको प्रॉब्लम है। फॉरगिवनेस, और साथ ही आपको उनके द्वारा की गई गलतियों के लिए माफ़ी भी देने को कहा गया है कि आप उनकी गलतियों को फॉरगिव करें, उनको माफ़ी दें। तो एंजल्स ने तो आपको कह दिया है, अब आप देखो कि आपके पर्सन ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। मैं आपके मैसेज को रखती हूँ। ये दो एक ही में चिपका हुआ था गाइस। मेरी गलती माफ़ कर दो प्लीज़। उनको रिग्रेट है अपनी गलतियों का, माफ़ कर दो। और सॉन्ग आया, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। आई रियलाइज यू आर माई लाइफ। उनको ये रियलाइजेशन है कि आप उनके लाइफ हो। तो अगला मैसेज, मिसिंग यू, मिसिंग एनर्जी है वो आपको दिख रहा होगा, शायद बहुत मिस कर रहे हैं। अगला, फॉरगिव मी प्लीज़। एंजल्स ने कहा है आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, तो उनका भी यही कहना है कि प्लीज़ मुझे फॉरगिव करो। अगला मैसेज, नाइस। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, हाँ मेरी जिंदगी आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। ये सॉन्ग आपके लिए है, इसे भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ला 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 अगला एक मैसेज, बस एक 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 आजा, मैं आपके लिए लेना चाहती हूँ। जिए तो जिए कैसे है बिन आपके। इस एक सॉन्ग में आपके लिए जितना मैसेज है आप देख लीजिए। एक और, माई लाइफ इज़ नथिंग विदाउट यू। उन्होंने कहा है उनकी लाइफ आपके बिना कुछ भी नहीं। अब मैं नहीं ले रही हूँ मैसेजेस। अब मैं देखूँ कुछ इनिशियल्स आपके लिए। एस, सबसे फर्स्ट एस, सी सी एम जे, लीब्रा आर, पी अगेन आर, ए, ओके, ब्लैंक। ये ब्लैंक है आपके पर्सन, ब्लैंक है। मेडिटेशन, मेडिटेशन करिए प्लीज़। के के के
अब मैं ले रही हूँ इसको. चलिए, तो आपने देखा कि आपके पर्सन का क्या मैसेज था. तो मैं अब रीडिंग को यहीं समाप्त करती हूँ. अगर आपसे रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़. थैंक यू.